अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो भाई मैं खैरियत से नहीं हूँ, क्योंकि भाई हर साल जो है ना वो टेस्ट होता है एम्प्लॉय का ना, उसका फिटनेस टेस्ट होता है। तो जब मैं आया था नया नया तो भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिट था, क्योंकि भाई गोश्त वोश खा रहे थे, हर चीज़ कर रहे थे और अपने कंट्री से आए थे तो सब कुछ फिट था। अब यहाँ पर आके ना, अब जब दोबारा टेस्ट हुआ मुझे बताते हुए भी खुशी हो रही, माशाल्लाह एक साल हो गया मुझे यहाँ, तो टोटल 11 महीने रह गए इंशाल्लाह, फिर वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, फिर आएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान। तो इस दफ़ा हम हो गए अनफिट। अब वो दिमाग पे लग गया यार, इस दफ़ा अनफिट हो गया, अब क्या करूँगा। तो भाई अब जो है वो हम अपनी रूटीन थोड़ी सी चेंज कर लिए, वो रूटीन इस तरीके से चेंज किए कि अपना थोड़ा सा ना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। ये सामने हमारी देखो ये पार्किंग है पूरी, वो यहाँ से शुरू है और वो कॉर्नर पे जाके ख़त्म है। लाइक अगर जो एक ग्राउंड होता है ना क्रिकेट ग्राउंड, ये उसके जितना है, ठीक है। तो इसके हम जो लगाते हैं वो तकरीबन रात में या फिर फ्री होने के बाद जॉगिंग करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा सा फिटनेस अंदर का चाहिए, अंदर की थोड़ी फिटनेस ख़राब हो रही है, तो एक वो चीज़ करते हैं। दूसरा अपने थोड़ा हमने पुशअप पे थोड़ा सा वो किया, क्योंकि पहले जो दिन था ना मैं 3 भी नहीं, मुश्किल से नहीं लगा पाया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर लगाने लगे तो 30-35 एक साथ जो है वो लगा लेते हैं। दूसरा ये है कि भाई थोड़ा सा हमने अपने आप को फिट करने की कोशिश करना शुरू कर दी है, और इंशाल्लाह जो मतलब हम 30 दिन चैलेंज करेंगे, मतलब अपनी बॉडी वॉडी दिखाएंगे कि भाई 30 दिन में हम कितना ग्रो किया है, कितना क्या किया है, वो इंशाल्लाह दिखाएंगे, लेकिन 10 तारीख के बाद, क्योंकि 10 तारीख को जब सैलरी आएगी तो फिर आप वो देखो नेचुरल जो प्रोटीन है ना वो लेना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। वो क्यों इस वजह से हो रहा है, क्योंकि देखो एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि वो जो मैसिव मास का जो बॉक्स डब्बा होता है पूरा, इंशाल्लाह वो लेंगे, थोड़ा अपने वेट को गेन करेंगे, क्योंकि जो वेट है वो भी थोड़ा सा लूज़ हो गया था, 3-4 किलो जो है ना वो गिर गया नीचे, तो अब जो है उसको थोड़ा सा गेन करने की कोशिश करेंगे वेट को, और साथ में थोड़ा सा जिम भी जाया करेंगे। तो इंशाल्लाह आज जो है वो दिखाएंगे आपको कि क्या मामलात हैं क्या नहीं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आज का तो आपको थोड़ा सा वर्कआउट दिखाएंगे कि भाई हम वर्कआउट में क्या 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 करते हैं। देखो हमारा सलाउद्दीन बुड्ढा आ गया वाह। तो अभी जो है हम इंशाल्लाह यहाँ से छुट्टी होने के बाद आपको वर्कआउट दिखाएंगे, तो फिट होना, और बॉडी भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह उसके बाद, फिर 10 तारीख को दिखाऊंगा, अभी बॉडी नहीं देखना, 10 तारीख को दिखाऊंगा इंशाल्लाह, और पूरा अपनी रूटीन दिखाऊंगा कि भाई क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा और किस तरीके से कर रहा हूँ किस तरीके, क्योंकि यार मुझे पता है 30 दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन 30 दिन में थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, तो इंशाल्लाह वो आपसे बिल्कुल शेयर करूँगा। थोड़ा अनफिट हो गया हूँ, पेट भी थोड़ा सा बाहर आ रहा है नीचे, मतलब ऊपर वाला पेट नहीं, थोड़ा नीचे जो होता है ना तोंद वाला वो बाहर आ रहा है, तो इंशाल्लाह उसको भी कम्प्लीट करेंगे, और फिर आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं वर्कआउट के द्वारा। तो भाई अभी मैं अपनी जगह पर आ गया हूँ, ये मेरा ट्रैक है आज का, देख लो ये आज का ट्रैक है इंशाल्लाह, और अब यहाँ से करेंगे हम जॉगिंग स्टार्ट। तो पहले यह लगाऊंगा 3 चक्कर के बाद फिर आपसे इंशाल्लाह मिलूँगा, जब अपना वर्कआउट करना शुरू करेंगे पुशअप्स और वो जब स्क्वाट्स करेंगे तो तब फिर आपसे मिलते हैं। ले अभी थोड़ा सा हमें जॉगिंग करने दो, ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जॉगिंग के टाइम। देख लो ये तीसरा राउंड चल रहा है, इसके बाद करेंगे पुशअप्स, तो फिर आपसे वहीं मिलते हैं। पसीना देख लो, ह्यूमिडिटी बहुत है, ऊपर से गर्मी भी है, तो पसीना ज़्यादा आ रहा है, सांस भी ज़्यादा फूल रहा है, लेकिन खैर अभी हम चलते हैं और फिर पुशअप्स करते हैं थोड़ी देर में, बस थोड़ा सा रह गया, हम आ जाके कंप्लीट करेंगे और फिर आपसे वहीं मिलेंगे। अभी हम कर रहे हैं पुशअप्स, देख रहे हो भाई कितना पसीना आ रहा है, हाय बहुत पसीना आ रहा है भाई, इमेजिन भी नहीं कर सकते, एक तो गर्मी बहुत है, दूसरा ह्यूमिडिटी बहुत है, और हालत टाइट हो रही। तो अभी तो जो है वो 15 पुशअप्स किए हैं,
थोड़ा ब्रेक दूंगा, फिर 15 करूंगा और इसी के साथ अपना वर्कआउट पूरा करूंगा, क्योंकि कल लेग किया था तो थोड़ा लेग्स को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिले। आज पुशअप्स करूंगा, कल फिर शोल्डर करूंगा, तो इसी तरह करते रहेंगे और इंशाल्लाह 10 तारीख तक यूं ही चलेंगे और 10 तारीख के बाद इंशाल्लाह फिर जिम जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको वहाँ के ब्लॉग दिखाएंगे। तो भैया था मेरा छोटा सा व्लॉग आज का, काफ़ी टाइम बाद बना रहा था क्योंकि यार दिन में काम पे था, रात में यहाँ पे लगा हुआ था, मतलब मुझे कोई 10-15 दिन हो गए कर रहा हूँ, थोड़ा अपने आप को फिट भी करना है, अच्छी बात है यार। तो उम्मीद करता हूँ यार वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।